हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का पार्ट टू, जिसको हम लोग ज्योमेट्री नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर टू लेके आ गए, पाइथागोरस थ्योरम। आपका इस पाइथागोरस थ्योरम का पर्टिकुलर लेक्चर नंबर टू होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोग सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग आपको थ्योरम को प्रूफ करके देने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी से, बिना किसी टाइम पास से आपको इस वीडियो के कंटेंट में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कहता है देखते हैं। सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या हमें क्या कहता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द एल्टीट्यूड इज ड्रॉ टू द हाइपोटेनस, देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्मड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। मतलब समझे, आपके ऊपर से निकल गया होगा, जो जो थोड़ा बहुत नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा, नहीं तो बाकी सबको ऊपर से निकल गया होगा। दिक्कत मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें ये लिखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इतना सबको समझ में आया होगा। राइट एंगल ट्रायंगल एल्टीट्यूड में कुछ लोग को दिक्कत हुआ होगा। देखिए आप लोग बी डी एक देख सकते हो, मैं पेंसिल से ड्रॉ कर यहाँ पे बी डी की एक जो लाइन इसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। देखो एल्टीट्यूड मतलब समझ लो ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड उसे कहते हैं, या तो कोई एक लाइन यहाँ से आ जाए या तो कोई एक लाइन यहाँ से ऐसी चली जाए, तो इसको हम लोग एल्टीट्यूड दोस्तों कहते हैं। एल्टीट्यूड आप लोग समझ गए। फिर क्या बोला, टू द हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस की तरफ आप लोग बनाना। तो ओवरऑल हम लोग ने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। आपको भी, आप लोग को भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक 90 डिग्री का होता है। आप लोग एंगल बी पे यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये 90 यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ है, और जो डी यहाँ पे भी आप लोगों को 90 दिखेगा। तो हम लोग ने ट्रायंगल बनाया, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ए बी सी। तो हमने वही यहाँ पे लिखा, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी 90 डिग्री, सेगमेंट बी डी जो सेगमेंट बी डी है ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्यों, जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो भाई सीधी सी बात है, ये जो एंगल डी है 90 डिग्री जो है, फिर ए डी सी एक ही लाइन में। देखो दोस्तों मैं इतना क्यों लिख के लेके आ गया, क्योंकि आप लोग को कम टाइम में मैं ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। अगर ये लिखता आपको सामने तो 2 मिनट चला जाता, इसके लिए मैंने इसको लिख लिया। कैसे लिखा हो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोग ये पढ़ो, फिगर बनाओ, फिर जो फिगर में दिखे वो लिख दो। मैं वो लिखा, हमें इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए डी बी, ये जो एंगल है ए डी बी, वो सिमिलर एंगल ए बी के ए बी सी के साथ, फिर जो एक एंगल है बी डी सी वो सिमिलर ए बी सी के साथ, फिर जो ए डी बी है फिर वो बी डी के साथ सिमिलर। यहाँ तक समझ आया। देखो दोस्तों मैं प्रूफ करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आपको थोड़े बहुत आजू बाजू का नॉइस सुनने को आपको इस कैमरे में मिलेंगे, वीडियोस में भी मिलेंगे, प्लीज़ वो सब आवाज़ को इग्नोर करते चलिए। अब आइए हम लोग अपने मेन प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। तो आइए मैं पहला वाला वो उठा लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। मैंने एक ट्रायंगल उठा लिया ए डी बी और ए बी सी, अब इसको मुझे प्रूफ करना है। ओके आइए मैं देखता हूँ, फिर एंगल डी ए बी, देखो मैंने इसको क्या बोला ए डी बी। अब दोस्तों मैं इसको डी ए बी भी तो बोल सकता हूँ, चाहे आप कान सीधा पकड़ो चाहे हाथ पीछे से करके पकड़ो, लेकिन पकड़ोगे तो कान ही ना। देखो हम लोग ए डी बी भी इसको बोल सकते हैं, और हम लोग डी ए बी भी कह सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग एंगल बी ए सी को भी तो कर सकते हैं, चाहे ए बी सी ए बी डी बोलो, ए बी सी बोलो, चाहे बी ए सी बोलो, चाहे बी ए सी बोलो, बात तो एक ही है। तो ये करस्पॉन्ड है, ये करस्पॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोस्तों। देखो कॉमन एंगल मतलब क्या होता है, देखो कॉमन एंगल ये होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल का एक ही जगह सेंटर आके मिलता है, तो उसको हम लोग कॉमन एंगल कहते हैं। ओके ये समझ में आ गया, क्योंकि देखो इसका भी ए है और इसका भी ए है, इसलिए कॉमन एंगल हो गया। ओके फिर हम लोग ले लेते हैं एंगल ए डी बी, ए डी बी ले लिए, वो करस्पॉन्ड है एंगल ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ। ओके ये कैसे आ गया, ये आ गया ईच 90 डिग्री। क्यों, देखो ए बी सी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 हो गया, फिर ए डी, अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है तो ए डी बी 90 कैसे हुआ, क्यों है? देखो यहाँ पे गिवन में क्या लिखा है, बी डी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब जो बी डी की जो लाइन है ये ऑलरेडी ए सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब वहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एक कंसेप्ट हम लोग क्लास 6 में पढ़ के आ रहे हैं। ओके कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब आप लोग अगर
चैप्टर नंबर फर्स्ट इसका देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो मैं उसके पहले कंसेप्ट आप लोग को था बताया। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ बोल सकते हो कि ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के साथ। वो क्यों है? क्योंकि एंगल एंगल टेस्ट हमें डबल एंगल टेस्ट के साथ सिमिलर हो गया। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपना बना के तैयार कर लिया। अगर आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लेना दोस्तों। ओके, अब आइए नेक्स्ट का हम लोग शुरुआत करते हैं क्या है। ओके, एक लाइन छोड़ के शुरुआत करते हैं और अच्छा दिखेगा हमें। तो हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। फिर क्या है, फिर हम लोग सेम इसी तरीके से इसको भी लेते हैं, एंगल बी सी डी। बी सी डी को मैंने लिया, उसको कॉरस्पॉन्ड देता हूँ, उसको मैं कॉरस्पॉन्ड दे देता हूँ ए सी बी के साथ। कहिए बी सी डी लिया, उसको ए सी बी दोस्तों ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल, क्योंकि सी दोनों का कॉमन एंगल हो गया। ये आप लोग को भी दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, आप लोग एंगल समझो उसको। ओके, फिर एंगल बी डी सी जो कॉरस्पॉन्ड है एंगल ए बी सी के साथ, वो क्यों है दोस्तों, वो ईच 90 डिग्री है। वो 90 डिग्री कैसे, देखो डी ऑलरेडी 90 है, फिर इधर बी 90 है, ख़त्म। तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा बी डी ट्रायंगल बी डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के साथ। और कौन से टेस्ट से है दोस्तों, तो एंगल एंगल टेस्ट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर टू। हमने दो इक्वेशन को यहाँ फ्रेम कर लिया है। ओके दोस्तों, अब आइए थोड़ा सा 2 मिनट और लगेगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। फिर यहाँ फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर हमारा यही चीज़ हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। देखो अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस करोगे इक्वेशन नंबर 3, देखो कैसे, आप अगर आप ए डी बी को सिमिलर करोगे बी सी डी के साथ, तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो इधर दिया है ए डी बी सिमिलर बाय बी डी सी, ये हो गया अपने आप, हो गया ना, बस इसी की तरह थी बात। अब आइए हम लोग अब लिखते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम लोग लिखे। अब यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, हैंस प्रूफ्ड। ओके दोस्तों, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आप लोग को। अब एक मिनट, अब आप लोग थोड़ा सा इसको, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई मुझे इतराज नहीं है। देखो स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बाबा स्क्रीनशॉट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। और दोस्तों अगर कुछ भी इस थ्योरम में आपको प्रॉब्लम हो, या तो आप लोग को कोई टर्म या तो कोई एंगल नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी जो भी आपकी जो भी रिक्वायर होगी आप लोग पूछ सकते हो, हम रिप्लाई देंगे 100% या मेरा वादा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाके आप हमसे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आप लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देख लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सीखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तब तक के लिए जय हिंद।